हैं, इनकी रेस होती है, इनकी कितनी शाम है, कहाँ कहाँ से ये लाते हैं, क्या तैयारी करवाते हैं, कहाँ कहाँ इनकी रेस होती है, ये बताइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो तो ग्रेहाउंड शिकारी कुत्ते के नाम से आप उसको जान सकते हैं, ये ज़्यादातर बाहर से इंग्लिश जो हैं, ऐसे हमारी होम ब्रीड भी होती हैं, लेकिन जो इंग्लिश कुत्ते हैं वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। अमेरिका से भी कुत्ते इम्पोर्ट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी होते हैं, हॉलैंड से भी होते हैं, लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि दुनिया में जो तेज तरीन ग्रेहाउंड है वो आयरलैंड है, आयरिश जो है, तो हम ज़्यादातर वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में इनके कंपटीशन होते हैं, और सीज़न में जो हमारा सीज़न शुरू होता है वो नॉर्मली नवंबर से मार्च तक का सीज़न होता है, तो ज़्यादातर जो कुत्ते होते हैं सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान में ये आ जाते हैं। इसमें 9-10 रेसें होती हैं, सबसे पहली रेस जो आती है वो दीना में होती है, जिसका ऑर्गेनाइजर है, और 5 कंपटीशन हमारे फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होते हैं, और काफ़ी बेसिकली ये तो ज़िम्मेदारों का शौक है, तो इसमें हुकूमत से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि हमें इसमें थोड़े से बेनिफिट दें, क्योंकि ज़िम्मेदारों का शौक है। एक तो आदमी का किराया, बंदे का किराया जो है रिटर्न वो 400 या 500 होगा, लेकिन इस ग्रेहाउंड का वन वे जो टिकट होता है वो तकरीबन 1200 से 1300 पाउंड तक नॉर्मली चल रहा है, और उसमें हमें यहाँ पे भी कार्गो में टैक्स देना पड़ता है इसका। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक दफ़ा हम किराया दे देते हैं तो उसका टैक्स जो है हमें वो नहीं होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए। एक तो ये मैं दरख्वास्त करूँगा उनकी सतह पर कि हमें इसमें थोड़ा सा रिलीफ दें, क्योंकि ये बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटी है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब शौक है, इसको प्रमोट करना चाहिए, और हुकूमत को हमें इसमें तो थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।